Yes, dear students, today we will see the numerical which is based on the power consumption in current electricity chapter. अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या है. An electric bulb is rated 220 volt 100 watt. Means the power consumption is 100 watt given to us and operating at V that is 220 volt. Now the power consumed by it when operated on 110 volt will be given by. अब यहाँ पर questions को देखें तो power consumption हमको calculate करना है और electric potential given है. Power already given है. इस power पर ये power consumption इसका इसपे 220 वोल्ट सप्लाई. अब यदि हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ले तो रेजिस्टेंस विल बी द सेम. रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आगा. चेंज किसमें आ रहा? इलेक्ट्रिक सप्लाई में चेंज आ रहा है. 220 वोल्ट से क्या हो रहा है? 110 वोल्ट हो रहा है. तो डेफिनेटली पावर कंजम्पशन विल बी आल्सो चेंज. अब हम देखते हैं कि P इज इक्वल टू वी नो दैट V स्क्वायर अपॉन R. ये होता है हमारे पास में एक फॉर्मूला. तो P की वैल्यू तो आपकी 100 वाट है. V की वैल्यू आपकी 220 स्क्वायर कर दे हम R. तो R इज इक्वल टू आ गया आपका 220 स्क्वायर अपॉन 100. ये आपको रेजिस्टेंस मिल गया. अब इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे हम. मींस अब हमको पावर कैलकुलेट करना है तो इसी इक्वेशन को हम यूज कर ले. P इज इक्वल टू P डैश से V स्क्वायर अपॉन R. V चेंज टू 110. 110 स्क्वायर. R इज गोइंग टू बी 220 स्क्वायर अपॉन 100. मींस इट इज मल्टीप्लाइड विद दिस 100. तो पावर कंजम्पशन क्या आ रहा है दैट वी विल कैलकुलेट. तो 110 इनटू 110 डिवाइडेड बाय 220 इनटू 220. सिंप्लीफिकेशन में हम इसको कर सकते हैं इस तरीके से. ये आपका कैंसिल हो गया. टू टाइम्स ये भी टू टाइम्स. टू टू आर फोर. 100 अपॉन 4. तो पावर कंजम्पशन जो निकल के आ रहा है दैट इज 25 वाट. तो जब हम किसी पावर किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई को जो कि दिया होता है 220 वोल्ट उसका हाफ कर दिया. मींस इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई था वो हाफ करने पर इसका पोटेंशियल जो पावर कंजम्पशन है वो कितना रिड्यूस हो गया. पर यहाँ पे 25 वाट आ रहा है और यहाँ पे 100 वाट आ रहा है 220 वोल्ट पे. तो यहाँ देखें हम तो 25 वाट इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है. ठीक है. तो यहाँ 25 वॉट आप देख रहे हैं कि 100 से सीधा 25 वॉट पे आ गया. मींस 1/4 रिड्यूस हो गया. तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी आपके सामने आते हैं कि पावर कंजम्पशन दिया है इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया है और इलेक्ट्रिक सप्लाई को रिड्यूस कर दिया. तो इलेक्ट्रिक सप्लाई को रिड्यूस कर दिया तो आप कितने 1/2 कर दिया. 220 था तो 1/2 मींस 110 वोल्ट कर दिया. 110 वोल्ट करने पर हमको पावर कंजम्पशन हमने कैलकुलेट किया. तो पावर कंजम्पशन जो कैलकुलेट किया है इट इज कमिंग अप टू 25 वाट. पहले कितना था? 100 वाट था. अब 100 वाट टू 25 वाट हो गया मींस 1/4 हो गया. मींस इलेक्ट्रिक सप्लाई इफ इट इज रिड्यूस्ड बाय 2 टाइम्स 1/2 कर दी जाए. इलेक्ट्रिक सप्लाई 1/2 टाइम्स कर दिया जाए तो पावर कंजम्पशन कितना कम हो रहा है? 1/4 हो रहा. तो इस प्रकार से कोई सा भी एक दूसरा आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता इसी टाइप का तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते.